करते हैं। न्यूज आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, अफगानिस्तान में जो है वो फियादीन हमला हो चुका है। क्या है अफगानिस्तान का फियादीन हमला, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस फियादीन हमले में जो है वो तालिबान का कमांडर समेत 16 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई है। हुआ क्या कि उस समय डिप्टी गवर्नर की जो है विदाई हो रही थी और उसी को डिप्टी गवर्नर को विदाई देने के लिए लोग जुड़े हुए थे। चलिए आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है, ये गुरुवार को ये फियादीन हमला हुआ है। मारे गए लोगों में एक तालिबान का कमांडर शामिल है जिसका नाम मुल्ला सैफुल्ला शमीम है, जो कि तस्वीर आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इस हमले में कहा जा रहा है कि आईएसआईएस का जो है वो हाथ है। चलिए इसके बारे में और भी ध्यान से समझते हैं और चर्चा करते हैं। तो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है बदखश्न। बदखश्न की राजधानी है फैजाबाद और वहां गुरुवार को एक फियादिन हमला हुआ है। 16 लोगों के जो है वो मृत्यु हो गई है और हमला तब हुआ है जब डिप्टी गवर्नर को सुपुर्दे खाक करने के लिए लोग वहां इकट्ठा थे। लोकल हॉस्पिटल के द्वारा ये बताया गया है कि 16 लोगों की डेड बॉडी जो है वो अभी तक पहुंची है और ये आंकड़े अब बढ़ भी सकते हैं। अब मारे गए लोगों में कहा जा रहा है कि तालिबान का एक बड़ा कमांडर जो है वो शामिल है। जब मैं ये पूरे न्यूज को लेकर चल रहा हूं तो आपको समझना होगा कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का ही शासन है और तालिबान के शासन के ऊपर अगर हमला हो रहा है, यानी कि इस समय अफगानिस्तान की स्थिति जो है वो खराब होने वाली है, यानी कि वहां अब स्थिति खराब हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा आतंकी हमला जो है एक संगठन ने किया है और उस संगठन का नाम है ISISK। आप कहेंगे ये ISISK है क्या? तो ये दोस्तों इस्लामिक स्टेट खोरासान ग्रुप है और कहा जा रहा है कि इसी ग्रुप ने जो है इसको अंजाम दिया। अब तालिबान कह रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले को जो है हम जांचेंगे कि कौन ये काम किया है और किसके द्वारा ये काम हुआ है और किस प्रकार से भीड़ ने जो है इस भीड़ का फायदा उठाकर किस प्रकार से फियादीन अंदर आए, हम इसको जांचेंगे और जांच कर जो है हम ये भी देखेंगे कि हमारी सिक्योरिटी में कहां खामी रह गई है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब तालिबान का जो है बड़ा कमांडर जो है वो मारा गया है और ये अगर हम बात करें तो ये बड़ा कमांडर जो है वो उस राज्य का पुलिस का चीफ भी था जो कि मारा गया है ना। तो ये एक तरह से अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा इस समय अफगानिस्तान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो खतरनाक जो है। अब ये खुरासान ग्रुप के ऊपर जो शक किया गया है वो खुरासान ग्रुप है क्या, इसके ऊपर जो है हम बात करते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये हमला जो है वो ISISK यानी कि खुरासान ग्रुप 2014 में पूर्वी अफगानिस्तान में एक्टिव हुआ था और यहाँ इसने बेरहमी और क्रूरता से अपनी पहचान बनाई थी। तो ISISK है क्या? तो दोस्तों इसका जो नाम है वो उत्तर पूर्वी ईरान, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान में आने वाले क्षेत्र जो है उनके नाम पर रखा हुआ है। और ये संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2014 से एक्टिव हुआ है और यहाँ इसने काफी बेरहमी और क्रूरता से अपनी पहचान बनाई है। पाकिस्तान के सैकड़ों तालिबानी संगठन जो हैं वो इस संगठन के साथ जुड़े हैं और हमले को जो है अंजाम दे रहे हैं। जब सेना की मदद से उन्हें निकाला गया तो अफगानिस्तान की सीमा पर ये आ गए हैं और यहीं से ये पूरे के पूरे अपने मूवमेंट को जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। इनकी ताकत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि तालिबान जो है वो पश्चिमी देशों कि सोच के प्रति जो है अब धीरे धीरे नरम हो रहा है, तो इसी का फायदा जो है वो ISIS खुरासान उठा रहा है। तालिबान दिखाना चाह रहा है पश्चिमी देशों को कि अब तालिबान वो तालिबान नहीं है जो कि एक आतंकवादी की पहचान बना के रख रहा है और इसके लिए तालिबान जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप को नॉर्मल कर रहा है, तो उसी का फायदा जो है वो इसको दिखने को मिल रहा है। कई सारे तालिबान में जो आतंकी थे वो अब तालिबान की नीतियों से जो है वो नाराज चल रहे हैं, तो वो तालिबान को छोड़कर ISIS खुरासान में जो है वो जुड़ रहे हैं, तो इससे खुरासान जो है वो और भी मजबूत हो रहा है। अमेरिका का जो इंटेलिजेंस ग्रुप है उस इंटेलिजेंस ग्रुप के द्वारा एक जो रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि सीरिया और दूसरे जितने भी विदेशी संगठन हैं वो भी अब ISIS खुरासान में जो है वो जुड़ रहे हैं और साथ में जो है इनका 10 से 15 आतंकवादियों का एक गुट बन जा रहा है और ये गुट जो है वो कर रहा है। ISIS खुरासान में अफगानियों के अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से भी काफी सारे आतंकी जो है वो शामिल हैं और ये जो है वो पूर्वी अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी जो है इन्होंने दर्ज कराई है। और अफगानिस्तान में जो है वो अगर हम बात करें तो कुछ प्रांत है जैसे कि नंगरहार प्रांत है, कुनार प्रांत है, यहां इनकी ग्रुप की जो पकड़ है वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और यहीं से जो है ये काबुल के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं। ISIS और तालिबान के बारे में बात करें दोस्तों तो ये दोनों का दोनों संगठन जो है ये सुन्नी इस्लामिक संगठन है और ये काफी कट्टर सुन्नी इस्लामिक संगठन है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि दोनों कट्टर सुन्नी इस्लामिक संगठन अगर हैं तो दोनों के बीच में इतना विरोध क्यों है? तो ISIS
के यानी कि खुरासान और तालिबान के बीच में जो है वो कई सारे मुद्दों के ऊपर जो है वो असहमति बनी हुई है। आईएसआईएस ने जो है वो तालिबान के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उसने जिहाद और युद्ध का मैदान छोड़कर दोहा और कतर में जो बड़े बड़े होटल हैं वहाँ बैठकर शांति और समझौते के लिए जो है बात की है और अमेरिका और अफगानिस्तान से सुरक्षित निकल अमेरिकियों को जो है वो अफगानिस्तान से सुरक्षित निकलने का जो है मौका दिया है और इसी को लेकर दोनों के बीच में जो है विवाद बढ़ चुका है और दोनों इस समय आमने सामने आ चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो आईएसआईएस को तालिबान का ये शांतिपूर्ण रवैया जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आईएसआईएस जो है वह तालिबानियों के ऊपर जो है वो हमला कर रहा है। तो ये दूसरा न्यूज़ है दोस्तों, और कैसा लगा न्यूज़ ज़रूर बताएं और अनअकैडमी के एडवांटेज को पाइए। अनअकैडमी का जो है वो ऐप डाउनलोड कीजिए, अनुप 10 कोड के माध्यम से चैनल को आप जो भी कोर्सेज परचेज करना है उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं और इसका लाभ जो है वो उठा सकते हैं। फटाफट कमेंट के माध्यम से जो है वो बताते चलिए कि कैसा लगा। तो ये रहा दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़, उम्मीद है कि न्यूज़ जो है वो आपको पसंद आया होगा। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी करते रहें, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।